नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। तेजस्वी यादव हरोर से घिर रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी रुख कुछ बुरे संकेत दे रहा है और अब उनके विरोधियों ने घेरा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्विटर पर तेजस्वी यादव के लिए कुछ लिखा है। नीरज कुमार लिखते हैं, बबुआ तेजस्वी यादव जी, छग्म धर्म निरपेक्षता का लबादा ओढ़ आपके लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई के लिए जनता ने जनादेश सुना दिया। अब जनादेश को षड्यंत्र कहकर जनता का अपमान ना करें। लोगों ने तो ऐसा जनादेश दिया कि आपके लोग ही आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठाने लगे। अब काबिलियत बढ़ाइए। तो तेजस्वी यादव को काबिलियत बढ़ाने का नसीहत नीरज कुमार दे रहे हैं और इशारा और किसी पर नहीं बल्कि जीतन राम मांझी पर है, जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और अब नीरज कुमार उसी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों ने भी आप पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव के लिए संकट है, संकट बिहार में राजद के लिए भी है और इसीलिए रांची में लालू यादव परेशान है। तेजस्वी यादव दिल्ली निकले हैं, राहुल प्रियंका से मुलाकात होनी है, महागठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात होनी है, लेकिन सवाल यही कि राजद को जो करारी शिकस्त मिली उसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा उसकी। इन तमाम सवालों के बीच तेजस्वी यादव मीडिया से भी बचते नजर आ रहे। कल हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें भाजपा के एनडीए की जीत को षड्यंत्र बता दिया था। इस पर भी नीरज कुमार ने घेरा है, कहा जनादेश को षड्यंत्र ना कहें, धर्मनिरपेक्षता और संविधान को बचाने का ढोंग बहुत हुआ। ये तमाम बातें जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हर खबर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।